राजीव जैन बने नगर पंचायत रानीपुर उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी। रानीपुर की जैन धर्मशाला में भगवान दास कोरी कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने की घोषणा। समाज सेवा को बताया राजनीति में आने का उद्देश्य। आज इस वार्ता करना थी क्योंकि 18-19 महीने से नगर पंचायत पड़ी थी, उपचुनाव नगर पंचायत के आ गए हैं, इसलिए हमने जो पत्रकार वार्ता बुलाई है उसमें हमें, जैसा कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्धारित अध्यक्ष आदरणीय अजय कुमार लल्लू द्वारा जो निर्देश हुआ है, तो अधिकृत प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी के राजीव जैन की घोषणा की गई है, तो आज प्रेस वार्ता इसलिए बुलाई गई। दूसरी रानीपुर में नगर पंचायत चेयरमैन पद के कांग्रेस के उम्मीदवार यहां पर राजीव जैन जी हैं और इनसे कुछ सवालों के जवाब करते हैं। जैन साहब, ये बताइए कि आप राजनीति यहां पे जो आपने टिकट मिला है और आप चुनाव में उतरे हैं, तो आपका ये क्या एम रहेगा, राजनीति करना रहेगा या समाज सेवा? समाज सेवा रहेगा, राजनीति। अच्छा, आप क्या क्या यहां पे विकास की कुछ तस्वीर लेके आए होंगे, आपकी घोषणा पत्र आपका होगा कोई? घोषणा पत्र है कि अपन व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था और सफाई व्यवस्था करेंगे केवल रानीपुर के अंदर। अच्छा, और गुंडागर्दी मुक्त करेंगे। यहाँ पे अभी जो देखने में आता है कि नगर पंचायत में कई कई बार सुनवाई नहीं होता है और ये काफी सारा मकानों का, ये आवासों का जो भी है, क्या इसमें आप जांच कराएंगे? जांच कराएंगे, दलाली बंद करेंगे, आवास की दलाली नहीं होगी। आप लोग हमें चेयरमैन बनाइए बेटा समझ के, तो हम किसी दलाली नहीं होने देंगे इस रानीपुर में। थैंक यू सर। रानीपुर से हरिओम ओझा की रिपोर्ट, बुंदेलखंड टुडे न्यूज, झांसी।